हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ सुमित और ये है आज की हमारी छोटी सी क्यूट सी सेफ यशवी। और आज हम बनाने वाले हैं सूजी और ड्राई फ्रूट्स की बर्फी। और रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और प्लीज साथ में जो बेल आइकन है घंटी वाला, उसको जरूर से याद से दबा दीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, अभी शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, सूजी की बर्फी बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं सबसे पहले एक कटोरी सूजी। हमने यहाँ पे बारीक सूजी ली है और इसको भूनने के लिए हम ले रहे हैं 2 चम्मच देसी घी के। देसी घी में हमें मिठाई बनाने वाले हैं। इसके साथ हम ले रहे हैं यहाँ पे बारीक कटे हुए बादाम और काजू ड्राई फ्रूट्स में। आप चाहें तो और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पे ले रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, ये हमने लगभग आधा कटोरी के आसपास लिया है। और चीनी हम ले रहे हैं 1 कटोरी। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप इसको स्वादानुसार ले लीजिएगा। और यहाँ पे हम दूध ले रहे हैं 2.5 कटोरी के आसपास। हमने 1 कटोरी सूजी ली है तो हम यहाँ पे जो दूध है हमारा वो ले रहे हैं 2.5 कटोरी के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप इसी माप के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ हम ले रहे हैं यहाँ पे ग्रीस किया हुआ टिन, जिसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया ताकि जो हमारी जो बर्फी है वो नीचे चिपके ना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और इस पे हम रख देते हैं हमारी कढ़ाई। और अब हम इसमें डाल देते हैं घी। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं सूजी। इसको हम जल्दी जल्दी से चलाएंगे। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक जो हमारी सूजी है वो अच्छे से भुन ना जाए, क्योंकि अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो ये जो सूजी है वो नीचे से लग जाएगी या फिर कहीं से ज़्यादा पक जाएगी, ब्राउन हो जाएगी और कहीं से कम हो जाएगी। तो इसलिए हमको लगातार इसको चलाते रहना है। दूसरी गैस पे हम दूध को उबलने के लिए रख देते हैं। दूध में हम डाल देते हैं थोड़ा सा केसर, ये हमने डाल दिया। इस दूध को हमें अच्छे से उबालना है ताकि हम इसको चाशनी की तरह अपनी सूजी की बर्फी में डाल सकें और बाद में हम इसमें चीनी डालेंगे। तो इसको हमें अच्छे से उबाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा उबाल आ चुका है दूध में। अभी हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी छोटी सी सेफ लगी हुई है बनाने में। हाय गाइस, फ्रेंड्स हमारी जो सूजी है वो अच्छे से भुन चुकी है और अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। हमारा जो गैस का फ्लेम है वो अभी बिल्कुल लो पे है और हम इसको धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। और इसको हम फिर से चला लेंगे। और अभी इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं चीनी। अब हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर।
और उसके साथ ही हम डाल देते हैं बादाम। काजू और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी की बर्फी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको टिन में जमा देते हैं। अभी हम हमारी बर्फी को और ज्यादा डेकोरेट कर देते हैं पिस्ता से। बारीक बारीक पिस्ता हमने काट लिया है। और अभी हम इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसमें कट लगा देंगे, जैसे मर्जी हम अपनी बर्फी की शेप बना लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जो बर्फी ओपन करके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और शेयर करना, और जो सब्सक्राइब के साथ घंटी थी उसको तो दबाए करना। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस छोटे से क्यूट से सेफ की जो गुजारिश है उसको बिल्कुल भी नकारा मत करना। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।